गुरु पूर्णिमा का महत्व। भारत में गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक उपदेशक और शैक्षणिक शिक्षकों के प्रति आदर भाव व्यक्त करने का दिन है। गुरु पूर्णिमा को गुरु अर्थात शिक्षक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या उपदेशक के सम्मान में मनाया जाता है। यह पारंपरिक रूप से गुरु पूजन के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। छात्र और शिष्य अपने गुरु के सम्मान में उनकी पूजा करते हैं। प्राचीन काल में इस दिन को वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता था और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता था। आप लोगों को ज्ञात हो कि ऋषि व्यास महाभारत के रचयिता थे। शैव परंपरा के लोग यह मानते हैं कि गुरु पूर्णिमा वो दिन है जब भगवान शिव आदि योगी प्रथम गुरु बने थे। श्वेता श्वतारा उपनिषद के प्रसिद्ध छंद में कहा गया है कि गुरु की देवताओं की तरह उत्तम भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन आध्यात्मिक आश्रम और पाठशालाओं में भजन समारोह जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बौद्ध धर्म में इस दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाया जाता है और उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब उन्होंने इसी पतन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस दिन बौद्ध धर्म के साधक और विपश्यना साधक अपने शिक्षकों के मार्गदर्शक में ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। ऐसे और अधिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए ज्ञान गंगा चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।